हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है रूम रूम की एक और नई वीडियो में। तो आज जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूं आपको, उस वीडियो में ऐसी गाड़ी दिखाऊंगा आपको जो बहुत मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2013 का मॉडल है, पर जिस भाई की वो गाड़ी है ना उसने ऐसी मेंटेन कर रखी है। मतलब मैंने ऐसी ये वाला मॉडल ऐसी गाड़ी मैंने नहीं देखी अभी तक। मैं अपने मेरठ सिटी की बात कर रहा हूँ, मैंने मेरठ में देखी नहीं, बाकी मुझे हरियाणा दिल्ली नोएडा NCR का नहीं पता, बाकी इंडिया का भी नहीं पता कि ऐसी और भी हो सकती है, पर ये वाली जो मैंने गाड़ी देखी ये एक नंबर है। बाकी मैं इसका आपको वॉक अराउंड देता हूँ, फिर बताता हूँ ये गाड़ी कौन सी है। तो दोस्तों, जिस गाड़ी की बात मैं कर रहा था वो है ये हॉन्डा ह्यूंडई की ईयोन। तो एक मैं वॉक अराउंड दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद बताता हूँ क्या क्या इसमें भाई ने चेंजेस कर रखे हैं, जो आफ्टर मार्केट भाई ने लगा रखा है वो दिखा देता हूँ एक बार। आप इसको देखिए ज़रा साइड से, ये देखें 2013 ईयोन ह्यूंडई 2013 मॉडल, आपने अप्रैल में निकलवाई है ये गाड़ी। और ज़रा इसको अब मैं चारों दिखाता हूँ गाड़ी, इतनी वेल मेंटेन गाड़ी भाई ने कर रखी है। मतलब भाई का दिखता है कि भाई को इस गाड़ी से बहुत प्यार है, मतलब भाई ने पूरा दिखा रखा है कि हाँ 2013 का मॉडल है, पर इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको आज की कंपटीशन की गाड़ी जितनी भी है उसमें आपको ना मिले, आपको इसमें हर चीज़ मिल जाएगी। वो मैं बताऊंगा अभी कि क्या क्या चीज़ में अपडेटेड हो रखी है, आफ्टर मार्केट क्या क्या लग रखा है। बाकी आप पहले गाड़ी का वॉक अराउंड देखिए क्या सही लग रही है, मतलब एक इंच भी इसमें, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे इधर का वो है वो खड़ गया था, बाकी सब ओके कर रखा है। ये भाई करवा लेंगे जल्दी अभी, हाँ भाई अभी करवा लेंगे, और बाकी कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में। 2013 मॉडल होके भी भाई ने इतने वेल मेंटेन कर रखी है। इसमें आपको बता दूं क्या क्या मिला, मतलब 2013 में जो मिलता था वही है आपको, हैलोजन हेडलाइट्स मिलते हैं वही, यहीं पे इंडिकेटर मिल जाता है, बेसिक अपने 12 इंच के टायर हैं। और आप भाई भाई ने पूरे में पहले आपको क्रोम ये जो आपने करा रखी है पहले मिली थी आपको? नहीं, भाई को ये क्रोम नहीं मिली थी, भाई ने ये क्रोम अलग से करवाई है। ये सब आपके जो ये शीशों पे और आपके ये ऊपर डोर के और ये हैंडल्स पे जो क्रोम है ये भाई ने अलग से करवाई है, पैसे देगा कितने में भाई, कितने बजट आपने अलग से कितना पैसा लगा रखा है इसमें अराउंड? भाई ने 60,000 रुपये इसमें लगा चुका है टोटल मिला के, जो भी आफ्टर मार्केट इधर से भी पूरा क्रोम भाई ने बढ़िया फिनिश करा रखा है। तो पीछे का भी आप देख सकते हो बढ़िया गार्ड वार्ड लगा रखा है। वैसे ये अलाउड है अभी ये गाड़ी में? हाँ मतलब ये बैक साइड में अलाउड है पर आगे अलाउड नहीं होता। ये है ये जो मॉडल है ये एरा प्लस है। तो बाकी आपको गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ। चलो गाड़ी एक चीज़ भूल गया मैं आपको बताना कि देखिए गाड़ी के पीछे 4 सेंसर्स हैं देखिए, और साथ ही बैक कैमरा, मतलब 2013 में कैमरा तो था ही नहीं गाड़ियों में, पर भाई ने अपनी गाड़ी को एकदम 2022 के हिसाब से अपडेटेड कर रखा है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें ना हो। बाकी आपको अंदर दिखाता हूँ, अंदर से ऐसा बना रखा है मतलब आदमी देख के दिल खुश हो जाए उसका। चलिए आपको जल्दी फटाफट अंदर चलते हैं। अगर मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो भाई इस गाड़ी की एक बेसिक की आती है, पर भाई की ज़रा की देखो आप, भाई ने पूरी मॉडिफाई करा रखी है, की को भी इन्होंने मॉडिफाई करा रखा है। भाई आपने इसमें सेंटर लॉकिंग अलग से लगवाया ना? हाँ, इसमें सेंटर लॉकिंग भी नहीं आती तो भाई ने सेंटर लॉकिंग में अलग से लगवाया। चलो फटाफट गाड़ी की चाबी आ गई है, अब फटाफट इसको अनलॉक करते हैं और इसके अंदर चलते हैं। पूरा जेड ब्लैक भाई ने करा रखा है, पूरा इंटीरियर ब्लैक है, आपकी बकेट सीट्स हैं और पीछे भी पूरा ब्लैक करा रखा है, बहुत ही प्रीमियम। और साथ ही साथ आपको इसमें मिल जाता है ये भाई ये टच स्क्रीन है। तो अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, ये देखो आपको दिख रहा हो या नहीं क्लियरली, ये देखिए ये पूरा टच है। तो देखो गाड़ी के हम अंदर आ चुके हैं, अब देखिए पूरा डिस्प्ले टच है इसका, साथ ही साथ आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का भी भाई ने सिस्टम पूरा ख्याल रखा है। ये जो आपको दिख रहा है आप देख पा रहे हैं शायद, ये देखिए ये चारों टायर में जितना प्रेशर है सब बताता है, जो आजकल हाईटेक चीज़ों में आ रही हाईटेक गाड़ियों में आ रहा है ना प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सब भाई ने लगा रखा है नीचे। आपको अगर इसके साउंड सिस्टम की बात करूँ, बाकी आपको ओवरऑल गाड़ी पसंद आ गई होगी, अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं बात करूँगा साउंड सिस्टम का, और साउंड सिस्टम भी इसका बहुत तगड़ा है। मैं भाई को बोलता हूँ भाई बजा के दिखाएंगे अभी। साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाता है साढ़े मैं यहाँ से देखो तो आपको दोनों पावर विंडो मिलती हैं आगे, पर पीछे वाली जो है विंडोज वो मैनुअल आपके हाथ से ही वाली विंडो है, हाथ से रोल करने वाली। और बाकी मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ भाई की सीट से, बकेट सीट बहुत प्यारी है, मतलब बैठ के जो फील आ रहा है, यहाँ हैंड ब्रेक है, यहाँ पे गियर का एक भाई ने पहले इनके फादर ने शायद ये लॉक लगवाया था, गियर लॉक जो लगता है साइड से वो ये था। तो काफ़ी मुझे बढ़िया गाड़ी लगी, ये बॉक्स हो गया, ओवरऑल बहुत अच्छी गाड़ी है। वो आप सामने जो देख रहे हैं वो आपका सेंसर के जो सेंसर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो अब मैं भाई से बोलता हूँ, तो अब भाई को मैंने बोला है कि भाई एक बार जरा इसमें मुझे ऐसी साउंड सुना दो गाड़ी की, क्या मतलब कुछ बजा दो गाने वाने कोई अच्छे बेस वेस देख। अब देखते हैं गाड़ी में बेस कैसी है फिर बताता हूँ आपको, सुनिए ज़रा आप भी। तो अब भाई जल्दी से गाना बजाने वाला है, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ उसकी बेस सुनाता हूँ। मैं जहाँ तक मैं क्लेम नहीं कर रहा कि कुछ लाउडेस्ट करके कुछ लाउडेस्ट ईयोन है, क्या पता इससे भी अच्छी ईयोन हो,
इससे भी लाउडेस्ट ईऑन हो, इससे भी वेल मेंटेन्ड ईऑन हुंडई अभी भी हो इंडिया में, पर मेरे हिसाब से मैंने ये बेस्ट देखी अभी तक। आप गाने सुनो जरा। अच्छा ये भाई ने MTX के ट्रे स्पीकर लगवा रखे हैं इसमें, और साथ में साथ में एम्प भी लगवा रखा होगा इसमें। भाई ने इसमें एम्प भी लगवा रखा है। इसके सीट के नीचे इन्होंने एडजस्ट कर, ये हाँ ये रहा, ये देखो ये भाई ने ये एम्प लगा रखा है। तो इसकी जो वॉइस है ना, इसमें ट्विटर भी है आगे दोनों, हाँ JBL के भाई ने इसमें ट्विटर लगवा, हाँ जो फ्रंट कंपोनेंट भाई ने लगवा रखे हैं वो JBL के हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो ये वाले ये जो आप ट्विटर देख रहे हो, ये दोनों ट्विटर तो भाई के जो ट्विटर है दोनों JBL के। अब मैं पीछे से एक बार बजा के दिखाता हूँ, तो कैसे मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप ये गाड़ी ये ऑन कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताना ये वाली अपनी गाड़ी है कैसी लगी आपको। आप भी अगर बताना, अगर आप में से भी कोई अपनी गाड़ी को इतना मेंटेन रखता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई। चैनल को देना सब्सक्राइब अगर मेरे चैनल पर आप नए हो, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब शेयर कर देना वीडियो को, और तब तक के लिए।